सभी को राम राम। आज संडे है और मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज बताने वाला हूं। हर संडे की तरह मेरी पूरी कोशिश रहती है कि चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, लेकिन संडे वाला ये वीडियो जो है न्यूज का, ये मैं जरूर बना पाऊं। पिछले दो चार हफ्ते से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, जिस वजह से इस चैनल पर मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ जैसे कि मैं पहले किया करता था। मुझे उम्मीद थी कि लास्ट वीक मुझे इतना समय मिल जाएगा कि मैं दो चार वीडियोज़ आप लोगों को बनाकर दे दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जहाँ तक मुझे याद है, शायद मैंने न्यूज़ वाला जो वीडियो था संडे वाला, उसके बाद एक और वीडियो बनाया था लीस्ट सेलिंग कार के ऊपर, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। इस हफ्ते मुझे काफ़ी उम्मीद है कि मुझे इतना समय मिल जाएगा कि आपको दो तीन वीडियोज़ बनाकर दे दूँ, तो देखते हैं क्या होता है। आते हैं न्यूज़ पर। तो लॉकडाउन है तो ऑटोमोबाइल की कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसुजू डी मैक्स हाईलैंडर और वी क्रॉस को लॉन्च कर दिया गया है लगभग एक साल बाद। BS4 से BS6 में जब अपग्रेड हुए थे तब ये दोनों गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, और एक साल लगा इस कंपनी को अपनी इन दोनों गाड़ियों को अपडेट करने में। और अब इनको लॉन्च किया गया है। डी मैक्स 16.98 लाख रुपीस से शुरू होकर 24.49 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, और MUX जो कि फॉर्चुनर की राइवल में है 33.23 लाख रुपीस से शुरू होकर 35.19 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसमें 1.9 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जो पहले से ज़्यादा 163 BHP की पावर जनरेट करता है, लगभग शायद 12-13 BHP ज़्यादा पावरफुल है, और 360 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। डी मैक्स को तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, हाईलैंडर, वी क्रॉस जेट और वी क्रॉस जेट प्रेस्टीज। इसमें 4x2, 4x4 दोनों मिल जाते हैं, और MUX में दो वेरिएंट्स मिलते हैं, एक 4x2 है और दूसरा 4x4 है। तो इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस मेरी नज़र में थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को याद हो तो आपने 2016 के ऑटो एक्सपो में, खैर आपको डेट याद नहीं होगी लेकिन गाड़ी की शक्ल देखते से ही आपको याद आ जाएगा, 2016 के ऑटो एक्सपो में महिंद्रा ने एक कंसेप्ट SUV कूप को रिवील किया था, जिसको देखकर काफ़ी लोग सोच रहे थे कि यार काश ये लॉन्च हो जाए, यही गाड़ी खरीदेंगे अब तो, लेकिन वो सिर्फ एक कंसेप्ट था। लेकिन अब मिली हुई ताज़ा खबरों के अनुसार ये कंसेप्ट XUV900 के नाम से इंडिया में 2024 तक लॉन्च हो सकता है। कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि लॉन्च होगा ही, लेकिन लॉन्च हो सकता है 99% आप सही माने, क्योंकि महिंद्रा वाले अब सिर्फ और सिर्फ SUVs के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। खैर उन्होंने हमेशा यही किया है, SUVs के ऊपर ही। अब SUVs का ज़माना आ गया है, सेडान का ज़माना नहीं है, हैचबैक्स और SUVs ये दो बॉडी टाइप सबसे ज़्यादा पसंद किए जा रहे हैं, तो महिंद्रा अब वही करने वाला है। इसके अलावा XUV500 जो इस समय मार्केट में चल रही है वो जल्दी ही डिसकंटिन्यू होने वाली है, और उसकी जगह लेने वाली है XUV700। लेकिन XUV500 की जगह, मतलब कि ये जो नाम है, इस नाम से 2024 में महिंद्रा वाले एक और गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि क्रेटा और सेल्टोस जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन देगी। XUV300 और XUV700 के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करेगी। तो इस तरह से कुछ उन्होंने किया है, XUV100, 300, 500, 700 और 900। तो इस तरह से ये अपना पूरा का पूरा एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, आने वाले 3-4 साल में ये काफ़ी सारी SUVs लॉन्च करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आप सबको पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, और इस लॉकडाउन के दौरान जिन जिन लोगों की फ्री सर्विस ड्यू है, या फिर जिन लोगों का वारंटी पीरियड ख़त्म होने वाला है, उनका कोई पार्ट ख़राब है लेकिन लॉकडाउन है तो वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कस्टमर्स के लिए कई सारी कंपनीज हैं, जहाँ तक मुझे पता है ऑफिशियली टाटा ने, रेनो ने, मारुति ने, टोयोटा ने उन लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है, किसी ने 30 जून तक तो किसी ने 30 जुलाई तक। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपकी कोई फ्री सर्विस है तो वो आप लॉकडाउन हटने के बाद आराम से करवा सकते हैं। कोई आपसे ये नहीं बोलेगा कि बॉस इसकी तो लास्ट डेट निकल गई, अब नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपकी वारंटी खत्म होने वाली है, उसे एक्सटेंड कराना चाहते हैं या फिर कुछ क्लेम करना चाहते हैं, पार्ट खराब है, तो वो भी आप कर सकते हैं लॉकडाउन के बाद में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ऐसा कुछ टू व्हीलर्स कंपनीज ने भी किया है, अगर आप कंफर्म करना चाहते हो तो किसी ना किसी को कॉल कर लो अपने शोरूम पे। आगे बढ़ते हैं। तो भाई कुछ समय पहले, मतलब कि कुछ दिन पहले एक खबर आई होगी, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, महिंद्रा मराठजो और KUV100 NXT को डिसकंटिन्यू करने वाला है क्योंकि ये बिक नहीं रही हैं। जब मैंने ये खबर देखी थी तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार महिंद्रा वो कंपनी है जिसका अगर कोई प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना बिक रहा हो, एक नूवो स्पोर्ट करके एक SUV थी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नूवो स्पोर्ट ये नाम था उसका, उसकी हर महीने मुश्किल से 1 या 2 यूनिट बिका करती थी, तब भी 2-3 साल तक महिंद्रा उसको रखा रहा।
इसी तरह से दो चार गाड़ियां और भी हैं जो महिंद्रा ने काफ़ी लंबे समय बाद जाके डिसकंटिन्यू करी थी, और मराठो और के यू वी बंडेबल तो कैसे भी लॉन्च डिसकंटिन्यू हो सकती है हाल फिलहाल। तो और वही हुआ, दो चार दिन बाद महिंद्रा ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये एक अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मराठो और के यू वी बंडेबल डिसकंटिन्यू नहीं होने वाली हाल फिलहाल तो नहीं। आगे बढ़ते हैं तो मर्सिडीज बेंज कंसेप्ट EQT MPV ने इलेक्ट्रिक टी क्लास को रिवील किया है, ये इंडिया हाल फिलहाल तो नहीं आने वाली। आगे बढ़े भाई, अभी कुछ दिन पहले ग्लोबल मार्केट में फॉक्सवैगन पोलो के एक नए मॉडल को रिवील किया गया था। अब इसी मॉडल के ऊपर बेस्ड पोलो GTI जून में ग्लोबल मार्केट में रिवील होने वाली है। ये दोनों ही, मतलब कि पोलो का ये नया अपडेटेड वर्जन और GTI का अपडेटेड वर्जन इंडिया में नहीं आने वाला, क्योंकि काफ़ी गैप लेते हैं, काफ़ी समय लेता है फॉक्सवैगन अपनी किसी गाड़ी को अपडेट करने में। तो इन दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ लॉन्च हुए, तो बहुत समय लगे, अभी कम से कम आप 2 या 3 साल समझ लीजिए ये मॉडल इंडिया तक आने के लिए। हुंडई वर्ना के 2 वेरिएंट्स को अपडेट किया गया है छोटे से फीचर के साथ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले इस गाड़ी में अब मिलने लगा है। मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। S प्लस और SX इन 2 वेरिएंट्स में इस फीचर को ऐड किया गया है। फॉक्सवैगन टिगुआन ऑल स्पेस के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में इसमें 2 तरह के पेट्रोल इंजन और 1 तरह का डीजल इंजन मिलता है। टिगुआन ऑल स्पेस इंडिया में भी अवेलेबल है, लेकिन वो प्री फेसलिफ्टेड वर्जन है सिर्फ पेट्रोल इंजन में। इसका ये फेसलिफ्टेड वर्जन इंडिया में हाल फिलहाल नहीं आने वाला, क्योंकि इसे 1 साल पहले ही यहाँ पर लॉन्च किया गया है और फॉक्सवैगन इतनी जल्दी इसका फेसलिफ्ट या लॉन्च नहीं करने वाला। टियागो और टिगोर के टॉप वेरिएंट्स में एक छोटी सी अपडेट की गई है, अपडेट छोटी है लेकिन काम की है। इन दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स में आपको आप पंचर रिपेयर किट, मतलब अगर टायर पंचर हो जाए तो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं खुद से, और साथ ही में टायर प्रेशर चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिला करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली। हो सकता है कि ये दोनों चीज़ें आपको टाटा के सभी गाड़ियों में मिलना शुरू हो जाएं, लेकिन हाल फिलहाल तो टियागो और टिगोर में मिलना शुरू हुई हैं। दिलीप छाबड़िया आप जानते होंगे, अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफिकेशन करते करते ये ऑल ओवर इंडिया इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं कि इनका काफ़ी बड़ा जामा है, जामा समझते हैं ना हिसाब किताब। लेकिन करीब 3 से 4 महीने पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एग्जैक्टली मैटर क्या था, जहाँ तक मुझे याद है आपको बताता हूँ कि शायद ये अपनी DC अवंती को BS4 वर्जन में बेच रहे थे, जो कि इंडिया ने बैन कर रखा है, सिर्फ BS6 आप बेच सकते हो। ये उसके जो स्टॉक में खड़ी हुई गाड़ियाँ थी BS4 वाली, वो बेचते हुए पकड़े गए थे, जिस वजह से इनको जेल कर दी गई थी, और हाल फिलहाल ये बेल पर लगभग 4 महीने बाद बाहर निकल कर आए हैं। और उन्होंने ऐसा कहा है कि इन्हीं के बिजनेस पार्टनर्स और अथॉरिटीज़ ने इनके साथ साजिश की है और इन्हें जानबूझकर फंसाया है। ये अपना काम बंद नहीं करने वाले, अभी भी मोटिफिकेशन करने वाले हैं पहले से बेहतर तरीके से, लेकिन इस बार खुद अकेले अपनी फैमिली के साथ, किसी और को पार्टनरशिप में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट जनरेशन बजाज पल्सर को टेस्ट करते हुए देखा गया है, आप अपनी स्क्रीन पर उसकी इमेजेस को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो होंडा PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेटेंट कर लिया गया है इंडिया में। इसमें रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो कि अभी तक मेरे ख्याल में किसी गाड़ी में नहीं दी गई है। आजकल तो मोबाइल्स में भी रिमूवेबल नहीं मिलती। डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 को लॉन्च कर दिया गया है, 20 से 23 लाख रुपए की ये मिलती है। इसमें 1103 cc का इंजन मिलता है, जो 208 bhp की पावर जनरेट करता है और 123 nm का टॉर्क। रॉयल एनफील्ड ने 4 दिनों के लिए अपने प्रोडक्शन को बंद किया है। रॉयल एनफील्ड नहीं, हर किसी कंपनी ने प्रोडक्शन को बंद किया हुआ है, एनफील्ड वालों ने अब आकर किया है, कोई खास बात नहीं। एप्रिलिया SXR 125 को लॉन्च कर दिया गया है 1.15 लाख रुपीस में। ये 9.5 bhp की पावर जनरेट करती है और 9.2 nm का टॉर्क। हार्ले डेविडसन ने ग्लोबल मार्केट में एक अपनी सब ब्रांड लॉन्च करी है, लाइव वायर। ये लाइव वायर सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक बनाया करेगी। इनकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक 8 जुलाई को अनवील की जाएगी। ये इसकी इलेक्ट्रिक बाइक्स हार्ले की इंडिया कब आएंगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। टोयोटा रेज, जो कि एक टोयोटा की कॉम्पैक्ट SUV है, ये इंडिया आने वाली है, ऐसी खबरें कुछ समय पहले तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पर चली थी, और जहाँ तक है आने भी वाली थी, लेकिन इस साल तो नहीं आने वाली, शायद अगले साल तक आ जाए। हाल फिलहाल टोयोटा वालों के कुछ अलग प्लान्स हैं, लेकिन इस रेस की रियल लाइफ फोटोज इसके स्पोर्टी वेरियंट GR की आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे इंडोनेशिया में अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसमें
वहां पर 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन मिलता है जो 98 पीएस की पावर जनरेट करता है और 140 एनएम का टॉर्क। हो सकता है जब ये इंडिया में लॉन्च हो तब इसमें यही वाला इंजन दिया जाए। वहां पर इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 13.5 से 14.25 लाख रुपए तक की मिलती है। मैं इस वेरियंट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट टोयोटा रेस की नहीं। हीरो मोटोकॉर्प वाले भी इंडिया में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने वाले हैं और इनकी पहली इलेक्ट्रिक बाइक अगले साल के शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। टोयोटा से संबंधित एक और न्यूज़ आई है, वो ये कि टोयोटा की एक हैचबैक है जिसका नाम है ए गया या फिर आ गया, जो भी आप बोलो। इस हैचबैक की डिज़ाइन का पेटेंट इंडिया में रजिस्टर करवाया है टोयोटा ने। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि ये गाड़ी इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि टोयोटा इसको एज अ इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगा या फिर एज अ पेट्रोल कार। डीजल में तो ये लॉन्च होने से रही। हाल फिलहाल ये इंडोनेशियन मार्केट में अवेलेबल है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर और 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन डस्टर की डिज़ाइन का भी पेटेंट इंडिया में रजिस्टर किया गया है। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो जाता है कि बॉस डस्टर की नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। बहुत 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 ज़रूरत है डस्टर को नेक्स्ट जनरेशन मिलने की, वरना ये गाड़ी डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी बॉस। दिन पर दिन इसकी सेल्स घटती ही चली जा रही है। तो बस इस हफ्ते की यही न्यूज़ थी, यही खबर थी। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर निकलिए सिर्फ जरूरी काम पे हो तभी, मास्क पहनिए और समय समय पर अपने हाथ सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।